हेलो दोस्तों, नासरीन इलेक्ट्रिक टेक में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हैं? सो आशा करता आप लोग अच्छे और अच्छे रहोगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चार स्लॉट सिनी टेबल फैन को फुल रिवाइंडिंग करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जो स्टेटर देख रहे हो, ये हमारी सिनी टेबल फैन की स्टेटर है और इसमें टोटल स्लॉट की संख्या दोस्तों चार है। दोस्तों, इस मोटर के अंदर कैपेसिटर यूज में नहीं ली जाती, यानी कि विदाउट कैपेसिटर के बिना फ्रेंड्स ये हमारी मोटर रन करती, यानी कि क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, इस मोटर के अंदर हमारी कैपेसिटर यूज में नहीं ली जाती है तो हमारी मोटर की डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे सही दिशा में कैसे होती है? दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो चार पत्ती नजर आ रही है, यानी कि कॉपर की, दोस्तों यही चारों पत्ती जो है ये हमारी मोटर की जो सही दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में चलाने की काम में लाती है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की काम दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ये चार पत्ती काम करती है। मोटर को रिवाइंड कर देते हैं। अगर मोटर की डायरेक्शन हमारी उल्टी हो जाती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल जाती है, तो स्टेटर को हमें जब पलट के फिर से जो है बॉडी में फिट कर लेनी है। 100% आपकी मोटर की डायरेक्शन दोस्तों सीधी हो जाएगी। दोस्तों, अगर इसकी आरपीएम की बात की जाए दोस्तों, तो ये हमारी 1440 आरपीएम में हमारी फैन आती है और ये हमारी 220 वोल्ट पे रन करती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पे जो ए टू जेड प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, एक मोटर को रिवाइंड करने के लिए हमें एक जब परफेक्ट वाइंडिंग डाटा की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए हमें SWG कौन सी रखनी है, साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी क्वाइल टर्न क्या होगी, क्वाइल पिच हमारी क्या होगी, क्वाइल डिस्टेंस हमारी मायने रखती है दोस्तों क्या होगी, सारा प्रोसेस जो है इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे जो है अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस स्टेटर की हम मोटाई और यहाँ पे आउटर डाई और इनर डाई जानेंगे, ताकि इसमें जो हम डाटा यूज कर सके दोस्तों, उस डाटा को आप भी अपने पंखे में यूज कर सको। तो आइए सबसे पहले हम इनर डाई आउटर डाई जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स इस स्टेटर की मोटाई की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी 1 इंच की आ रही है। यहीं पे फ्रेंड्स अगर इसकी इनर डाई की बात की जाए तो ये हमारी जो है 2 इंच की आ रही है। यहीं पे अगर इसकी आउटर डाई की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर से 1 पॉइंट यहाँ पे हमारी जो है ज़्यादा है, यानी कि अगर इसकी सेंटीमीटर में बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो है 10 सेंटीमीटर की आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है आउटर डाई और इनर डाई जान लिया है और मोटाई हमने जान लिया है। चलिए इस स्टेटर की हम गोलाई जान लेते हैं, ये हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पूरी स्टेटर की जो गोलाई है दोस्तों, ये हमारी 12 इंच की है। तो यहाँ पे हमने जो है आउटर डाई और इनर डाई हमने जो है जान लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डाटा की बात करते हैं। इस स्टेटर को रिवाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड वायर गेज जो यूज करनी है, 30 नंबर की स्टैंडर्ड वायर गेज हमें यूज करनी है, वो भी कॉपर में। यहीं पे फ्रेंड्स, इसकी अगर टर्न की बात की जाए, यानी कि हमें जो है एक स्लॉट में कितनी टर्न भरनी है, तो दोस्तों इस मोटर के अंदर हम यहाँ पे जो है 580 टर्न एक खांचा में भरने वाले, यानी कि एक स्लॉट में। इस मोटर के अंदर से जो हमारी डाटा निकली है दोस्तों, 555 टर्न, यानी कि इस मोटर में 555 टर्न 30 नंबर से डाला हुआ था, बट यहाँ पे हम क्वाइल टर्न दोस्तों बढ़ा के डाल रहे हैं, यानी कि 25 टर्न हमने यहाँ पे जो बढ़ा दिया है। दोस्तों, यहीं पे अगर इसकी क्वाइल डिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे हमें जो 6 इंच गोलाई में क्वाइल हमें जो है बनानी है। दोस्तों, इस फर्मे पे हम इसकी क्वाइल को बनाएंगे। आइए हम फर्मे की साइज आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फर्मे की जो साइज है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी जो है 6 इंच के आसपास आ रही है। बताती है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वाइल पिच की। दोस्तों, इसकी जो क्वाइल पिच होगी 1 से 2, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ पे जो है बीच में जो है गैपिंग नहीं छोड़नी है, 1 से 2 में जो है क्वाइल को डालनी है। फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे हम जो क्वाइल को बनाएंगे, यानी कि इस फर्मे पर हम सबसे पहले क्वाइल को बनाते हैं, यानी कि दोस्तों 6 इंच गोलाई में यहाँ पर हम जो 580 टन की माला हम बनाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्वाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्वाइल बनाने के लिए दोस्तों एक हैंड ग्राइंडर मशीन का मैं यूज कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो इस तरह की 2 फर्मे की जरूरत पड़ेगी, जो हमें यहाँ पे जो सबसे पहले इसकी जो है सॉफ्ट में लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो फर्मे को लगा के उसके बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर जो है एक फिर से कवर बनानी है और नट बोल्ट की मदद से फ्रेंड्स हमें जो इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है। दोस्तों, यहाँ पर हम चलिए इसे टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम 30 नंबर की कॉपर वायर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वाइल में आपको बना के दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वायर को सेटअप करते हैं और यहाँ पे क्वाइल बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है वायर ले लिया और यहाँ पे हमने जो है क्वाइल बनाना शुरू भी कर दिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो टर्न भरना है दोस्तों, यहाँ पे 580 टर्न। तो चलिए, यहाँ पे हमारी जो टर्न कम्प्लीट होती है तो आपको मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो टर्न कम्प्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, हमारी जब टर्न कम्प्लीट हो जाएगी दोस्तों, तो हमें जो है फर्मे को बाहर निकालनी, यानी कि क्वाइल को हमें जब बाहर निकाल लेनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे फर्मे पर से हमें क्वाइल को उतारने के लिए हमें यहाँ पे जो है कुछ अपना जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ये क्वाइल हमारी आसानी से नहीं निकलेगी। तो कुछ इस तरह से हमें जो फर्मे को हटा लेनी है
और यहाँ पर मुझे कॉइल को जो है एक हाथ से अच्छी तरह से पकड़ लेनी है ताकि हमारी जो वायर है दोस्तों वो हमारी बिखरे नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे कॉइल निकालने के लिए दोस्तों हमें कॉइल को जो है दो भागों में बांट लेनी है। और दोस्तों इससे क्या होगी कि हमारी कॉइल दोस्तों फर्मे पर से आसानी से निकल जाएगी। तो इतनी आसानी दोस्तों यहाँ पर ये निकलती नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है कॉइल को दो भागों में एक हाथ से पकड़ के और यहाँ पर मुझे बांट लेनी है। इससे आसानी से दोस्तों आपकी जो फर्मे पर से कॉइल उतर जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो कॉइल जब रिवाइंड होती है तो ये हमारी टाइट रिवाइंड होती है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे जो दो भागों में बांट के और बीच से फर्मे को जो है निकाल लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो फर्मा दोस्तों ये हमारी निकल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करनी है, कॉइल को हमें जो है दोनों तरफ से बांध लेनी है, या फ्रेंड्स एक तरफ से भी आप बांध सकते हो। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो तीन और भी कॉइल बनानी है, जिस तरह से हमने अभी कॉइल अभी बनाया है दोस्तों सेम उसी तरह तीन कॉइल और हमें जो है बना लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है तीन कॉइल और भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है एक कॉइल की वेट क्या होती है चलिए मैं देख लेता हूँ। फ्रेंड्स इसे हम तराजू पे रख के और इसकी जो है वेट माप लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कॉइल की वेट जो हमारी हो रही है दोस्तों ये हमारी 70 ग्राम हो रही है। तो सभी कॉइल को हम डाल के देखते हैं हमारे कितना वायर लगती है। 275 ग्राम टोटल हमारी दोस्तों एक पंखे को रिवाइंड करने में हमें जो है लगने वाली है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम कॉइल को जो है स्लॉट में डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉइल डालना जो है स्लॉट में काफ़ी सिंपल है, बड़ी आसानी से आप जो है कॉइल को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, यानी कि सीधा आपको जो है स्लॉट में कॉइल को डालना है। तो यहाँ पे मुझे कॉइल को जो है कुछ इस तरह से मुझे हल्का सा शेप में ले आनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख लेनी है मोटर को कॉइल निकालते वक्त आपकी लूप दोस्तों यहाँ पे मोटर से किस साइड से निकली हुई थी। तो हमने यहाँ पे जो मार्क लगा लिया था जिस साइड से हमारी लूप निकली हुई थी दोस्तों उसी साइड से हम यहाँ पे जो है लूप निकाल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्लॉट में कॉइल को डालते हैं। तो आइए यहाँ पर मुझे कॉइल को जो है कुछ इस तरह से हम जो है एक तरफ से स्लॉट में डाल देंगे। यहाँ पर ज़्यादा आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, बड़ी ही आसानी से स्लॉट में दोस्तों ये कॉइल आपकी जो ये चल जाएगी। तो एक साइड से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो स्लॉट में कॉइल देख सकते हैं चली गई है। दूसरी साइड से भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो हल्का सा आपको टेढ़ा करके और स्लॉट में जो कॉइल को कुछ इस तरह से डाल लेनी है। तो इस तरह से हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉइल ये डल गई है। बाद आपको जो है एक सेपरेटर पेपर लेनी है और यहाँ पर आपको जो स्लॉट को जो है लॉक कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने जो है इसे लॉक कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है इनर और आउटर अभी कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सीधा आपको जो है कॉइल को जो है स्लॉट में डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कॉइल को स्लॉट में डालते हैं। तो यहाँ पर हम जो है दूसरी कॉइल उठा लेते हैं। दूसरी कॉइल को उठाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है एक तरफ से कॉइल को जो है स्लॉट में डाल लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कॉइल को जो है इस तरह से डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बड़ी ही आसानी से आपकी जो सभी कॉइल स्लॉट में आसानी से चल जाएगी। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी साइड से हमें कॉइल को डालना। तो आइए यहाँ पर जो है दूसरी साइड से भी कॉइल को डालते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, एक पेपर ले लेनी है और इस पेपर को दोस्तों यहाँ पर आपको जो है लगा लेनी है इस तरह से। इस पेपर के ऊपर से हमें दोस्तों इस कॉइल को जो है स्लॉट के अंदर डाल लेनी है। बड़ी आसानी से दोस्तों ये कॉइल आपको जो है स्लॉट में चल जाएगी। जो हमारी यहाँ पे उठा हुआ पेपर है दोस्तों इस पेपर को हमें यहाँ पे जो है इसके अंदर हमें जो है डाल लेनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी दोस्तों, आपका कॉइल दोस्तों स्लॉट में आसानी से चल ही जाएगी। साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कोई भी कॉइल एक दूसरे से अटैच भी नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पेपर है यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर इसके हमें जो है ऊपर से लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे एक दूसरे से कॉइल अटैच भी नहीं होगी दोस्तों। जब आप कॉइल को काटिएगा तो आपको जो इस तरह की एक लोहे का पट्टी मिलेगी और इस लोहे की पट्टी को दोस्तों हमें जो इसके ऊपर लगा लेनी है ताकि हमारी जो यहाँ पे वायर है फ्रेंड्स ये हमारी बाहर भी ना आए, पेपर है दोस्तों वो भी हमारी बाहर नहीं आएगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दोनों को इससे जो है सेफ्टी होने वाली है कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर हमें जो लॉक को लगा लेनी है दोस्तों, यहाँ पर ये कॉइल हमारी बाहर हो रही है। तो हमें क्या करनी है, एक यहाँ पर जो फिर से सेपरेटर पेपर लगा लेनी है ताकि ये कॉइल भी दोस्तों हमारे जो ये बाहर ना आए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो तीसरी कॉइल की बात आती है तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो तीसरी कॉइल को भी डालते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे जो पेपर लगा लिया है, तो यहाँ पर हमने जो तीसरा कॉइल ले लिया दोस्तों। और चलिए इस कॉइल को हम स्लॉट के अंदर बैठाते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, आपने ये देख ही लिया है हमारी जो कॉइल है दोस्तों कितनी आसानी से स्लॉट में जा रही है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक साइड से कॉइल को जो है डाल लिया है। यहाँ पर मुझे एक सिर से सेपरेटर पेपर लेनी है और इस सेपरेटर पेपर को हमें यहाँ पर जो लगा लेनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो है कॉइल को क्या करनी है, इस पेपर के अंदर से हमें यहाँ पर जो है कॉइल को स्लॉट में डालनी है ताकि यहाँ पर बड़ी आसानी से दोस्तों यहाँ पर जो है कॉइल आपकी जो है अंदर चल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी बचा हुआ पेपर है दोस्तों इसे हमें जो है फिर से इसके अंदर हमें जो है डाल लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारी यहाँ पे जो है कॉइल अंदर चली गई है। दोस्तों यहाँ पे बात आती है अब चौथी कॉइल की। तो चौथी कॉइल को डालने से पहले हमें यहाँ पे जो है सेपरेटर पेपर लेनी है और इसको लॉक कर लेनी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो लॉक कर लिया है, और इस पेपर के ऊपर से हमें यहाँ पे जो कॉइल को ले जानी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। सो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे स्लॉट के अंदर जो है डालनी है पेपर के ऊपर से ही, तो आसानी से ही फ्रेंड्स आपकी ये कॉइल जो है ये स्लॉट में चल जाएगी, देख सकते हो। तो यहाँ पे एक साइड से हमारी दोस्तों कॉइल जो है ये पूरी तरह से बैठ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरी साइड भी डालनी है, तो दूसरी साइड डालने से पहले दोस्तों यहाँ पे मुझे पेपर के बीचों बीच हमें यहाँ पे जो डालनी है, इस पेपर को फ्रेंड्स यहाँ पे हम अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो मोड़ लिया है। अब इस कॉइल को हम दोस्तों यहाँ पे स्लॉट में डाल देंगे, देख सकते हो कितनी आसानी से स्लॉट में दोस्तों यहाँ पर हमारी जो कॉइल डल चुकी है। अब फ्रेंड्स जो हमारी बचा हुआ यहाँ पे पेपर है दोस्तों, इस पेपर को हम मोड़ के और यहाँ पे मुझे स्लॉट में डाल लेनी है इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे जो तीन जो है लोहे का टुकड़ा लेना है, और दोस्तों सभी स्लॉट के ऊपर हमें जो एक एक करके लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हमें लगा करके और आपको मैं अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे जो सभी कॉइल को स्लॉट में डाल के कम्प्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी आसानी से सारी कॉइल हमारी जो स्लॉट में जा चुकी है। इस तरह से मोटर तो हमारी रिवाइंड हो जाती है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे अभी भी कुछ काम बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो कनेक्शन करना पड़ता है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करनी है, इस मोटर की जो सिलाई कर लेनी है। तो फ्रंट के साइड से हमें दोस्तों यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। क्वाइल को सिलाई करने के लिए आप यहाँ पे जो कॉटन टेप की भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप जो एक एक क्वाइल को यहाँ पे जो है हम लपट लपट के सारा क्वाइल को दोस्तों यहाँ पे जो कवर कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसे सिलाई करूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रंट साइड की तरफ से सिलाई जो है कंप्लीट कर लिया है। सिलाई जो है आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह से इच्छा होगी आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो कुछ इस तरह से सिलाई की जो है की, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी यहाँ पे लग रही है हमारी कॉइल। फ्रंट साइड सिलाई करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो है बैक साइड की तरफ आ जानी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्येक क्वाइल से हमारी यहाँ पे जो है दो दो लूप निकल के है, यानी कल हमारी यहाँ पे लूप दोस्तों 8 हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमें जो कनेक्शन करना है, यानी कि दो ही लीड हमें निकालनी है सिर्फ यहाँ पे सप्लाई के लिए। यहाँ पे जो हमारी कनेक्शन होगी दोस्तों सभी क्वाइल को हमें जो है 1 से 3 में सीरीज करनी, यानी कि एक क्वाइल को दूसरे क्वाइल से हमें जो है 1 से 3 में सीरीज करते हुए हमें यहाँ पे जो है लूप को निकालनी है। जो किसी भी एक क्वाइल को यहाँ पे जो है पकड़ लीजिए, यानी कि इस क्वाइल को हम पकड़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम इस क्वाइल को पकड़ते हैं, इस क्वाइल से हमारी दो वायर निकल के आई है दोस्तों, ये हमारी लूप दोस्तों यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड की तरफ आ रही है, और ये लूप फ्रेंड्स हमारी जो है ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रही है। दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करनी है, आपको आप मोटर को रिवाइंड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लूप आप इस तरह से रखते हैं, यानी कि हमें जो इस लूप को हम यहाँ पे जो है छोड़ देंगे, और दोस्तों हमें जो अगला वाला लूप को हमें जो है पकड़ लेनी है। अब फ्रेंड्स ये हमारी जो लूप है दोस्तों ये हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है। यहाँ पर हमारी जो दूसरी क्वाइल है दोस्तों राइट लूप होगी दोस्तों, उसकी उसी लूप को हमें यहाँ पे जो है पकड़ लिया, यानी कि अगर हम इस दो वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमारी 1 से 3 में सीरीज पहुंच जाएगी। देखिए आपको मैं बताता हूँ, 1, 2, 3, यानी कि राइट टू राइट में हमारी यहाँ पे जो कनेक्शन हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला कनेक्शन यहाँ पे करना है, ये लूप हमारी बच रही फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि दोस्तों बायां हैंड साइड की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे इसे लेफ्ट में पहुंचाने के लिए हमें फ्रेंड्स इस क्वाइल की यहाँ पे मुझे लेफ्ट लूप को पकड़नी होगी। तो लेफ्ट टू लेफ्ट हम इस तरह से कनेक्शन अगर करते हैं दोस्तों, तो इसका भी कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है 1 से 3 में पहुंच जाएगा। देखिए काउंट कर लीजिए एक बार, 1, 2, 3, यानी कि 1 से 3 में फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे जो है इसकी भी कनेक्शन हो चुकी है। यहाँ पे अब जो हमारी लूप बच रही है दोस्तों ये हमारी जो है राइट हैंड साइड की तरफ निकली, यानी कि आप देख सकते हो ये हमारी राइट में निकली हुई है, तो इसे हमें यहाँ पे राइट में पहुंचाना है। तो दोस्तों इस क्वाइल का हमें जो है राइट, यानी कि ये हमारी लेफ्ट है और ये हमारी राइट है, तो हमें जो है राइट टू राइट में मुझे इस वायर को कनेक्ट कर लेनी है। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है कनेक्शन मिला लेनी है, आपकी यहाँ पे जो है ये 1 से 3 में सीरीज हुई है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप काउंट करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 1 से 3 में फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे जो कनेक्शन हो चुकी है, यानी कि आपको यहाँ पे जो कुछ इस तरह से कनेक्शन करना होता है। 1 से 3 आपको यहाँ पे जो सभी क्वाइल को एक दूसरे से सीरीज कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे जो हमने लूप छोड़ा था दोस्तों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ छोड़ा था, जो हमारी लास्ट लूप बचेगी दोस्तों वो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारी लेफ्ट में ही है और ये भी हमारी लेफ्ट में ही निकली है, यानी कि 100% जो हमने अभी कनेक्शन किया है दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस दो लूप पे स्लीव लगा देते हैं। स्लीव लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे सभी वायर का दोस्तों हमें इंसुलेशन हटा लेना, यानी कि हमारी यहाँ पे पेंट चढ़ाई हुई है तो सभी का मुझे पेंट हटा के यहाँ पे जो है सोल्डरिंग कर लेनी है, और सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों हमें जो है स्लीव लगा के हमें क्वाइल के अंदर डाल देनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो सभी लूप को ज्वाइंट करके और स्लीव लगा के दोस्तों यहाँ पे हमने जो है डाल लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो दो हमारी लूप जो है मोटर से निकल के आई है।
तो हमें क्या करनी फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे एक लूप पे हम यहाँ पे जो है रेड वायर लगा देते हैं और एक पे यहाँ पे ब्लैक लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप जो सेम कलर भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। दूसरा जो हमारी लूप है फ्रेंड्स, इस पे हम यहाँ पे ब्लैक लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है जल्दी से लूप को यहाँ पे जो है ज्वाइन करके और इस पे हम जो है सोल्डरिंग कर देंगे। और सोल्डरिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे स्लीव चढ़ा देंगे। स्लीव चढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे इसे सिलाई कर लेंगे। तो लूप पे ज्वाइंट करके दोस्तों स्लीव चढ़ा के हमने यहाँ पे जो मोटर को जो है सिलाई कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ट्रायल की बात आती है। ट्रायल करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करनी है, इसमें जो थोड़ा सा वार्निश हमें कर लेनी है। और वार्निश करने से दोस्तों हमारी क्वाइल की जो लाइफ वो दोस्तों काफी ज्यादा हो जाती है। वायर की जो है इंसुलेशन दोस्तों ये हमारी जो है वार्निश बना के रखती है। तो आपको मैं मोटर को फिट करके और चला के मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से बार्निश करके और आपको मैं मोटर चला के दिखाता हूँ। हमारी जो है बार्निश होके कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारी जो है बार्निश दोस्तों ये पूरी तरह से सूख गई है। तो चलिए फ्रेंड्स इस स्टेटर को हम यहाँ पे इसके बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं। दोस्तों इस स्टेटर को ठोकते वक्त दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्टेटर में आपको यहाँ पे खांचा दी गई है दोनों साइड से, और इस साइड आपको यहाँ पर भी खांचा मिल रही है। यानी कि आपको यहाँ पे जो दोनों को इस तरह से मिला के आपको जो स्टेटर को ठोकनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो स्क्रू को टाइट करनी होती है। तो इस चीज को आपको जो है ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे स्टेटर को इसके बॉडी के साथ अटैच करनी है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे इस स्टेटर को ठोक लेते हैं और मोटर को पूरी तरह से फिट करके आपको मैं चला के दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे जो मोटर को पूरी तरह से फिट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी जो पूरी तरह से मोटर फ्री है। मोटर की डायरेक्शन दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो एक टेप का इस्तेमाल किया है। आइए आपको मैं चला के दिखाता हूँ दोस्तों हमारी मोटर की डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज है कि नहीं, और यहाँ पे हमारी मोटर दोस्तों यहाँ पे सही चल रही है, यानी कि स्पीड है कि नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि हमारी जो मोटर की डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल जो है क्लॉकवाइज चल रही है। और स्पीड की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे स्पीड भी काफी ज्यादा है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी मोटर नहीं रुक रही है, यानी कि काफी अच्छी स्पीड यहाँ पे हमारी जो है मोटर की मिल रही है। सो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से एक सिनी टेबल फैन को आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद जरूर आएगी। सो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो किसी नए फोल्ड के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।